नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राज्यसभा समाचार, आपके साथ मैं हूं घनश्याम। खबरों को विस्तार से जानें उससे पहले सुर्खियों के साथ शुरुआत। गुजरात आयुर्वेद संस्थान को राष्ट्र महत्व का दर्जा देने के लिए संसद से विधेयक को मंजूरी। राज्यसभा में आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 ध्वनिमत से पारित। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को मजबूत बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। कोरोना महामारी और सरकार के कदमों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर उच्च सदन में चर्चा। सदस्यों ने की कोरोना योद्धाओं की सराहना। विपक्ष ने लॉकडाउन, प्रवासी मजदूर और कोरोना की मौजूदा स्थिति पर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद घुसपैठ और आतंकी घटनाओं में आई कमी। राज्यसभा में लिखित जवाब में गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। कश्मीर में इस साल 9 सितंबर तक मारे गए 168 आतंकवादी। आयुर्वेदिक शिक्षण और अनुसंधान विधेयक 2020 की चर्चा हुई और उच्च सदन में इसे पारित कर दिया गया। इसके साथ ही विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई। लोकसभा में विधेयक को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। आपको बता दें विधेयक के गुजरात में जामनगर स्थित 3 आयुर्वेदिक संस्थानों को मिलाकर राष्ट्र महत्व के एक संस्थान का दर्जा देने के लिए यह विधेयक लाया गया। इसमें 3 आयुर्वेदिक संस्थानों, स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक शिक्षण और अनुसंधान संस्थान, गुलाब अंकुरवा आयुर्वेद महाविद्यालय और आयुर्वेद औषधि विज्ञान संस्थान के विलय का प्रस्ताव किया गया। ये आयुर्वेद के क्षेत्र में देश का पहला संस्थान होगा जिसे राष्ट्र महत्व के संस्थान का दर्जा मिलेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये एक शुरुआत है और आगे अन्य संस्थानों को भी शिक्षा और अनुसंधान में गुणवत्ता के आधार पर यह दर्जा दिया जाएगा। सर, ऑन एवरी पैरामीटर वी कैन मोस्ट ऑब्जेक्टिवली सर्टिफाई एंड से that right now this is probably the number one institution which deserves this status. I can only say, sir, that it is a very humble beginning. So I'm sure once we make this humble beginning with one institution which will catch the attention of the international community also because of the work that it is already doing which has got international recognition in so many fields, this will make a very good beginning for other institutions to grow up in their stature so that they can later on in future be considered by the parliament for giving the stature. विधेयक पर चर्चा में कई दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया और आपको बता दें देश के प्रत्येक राज्य में इस तरह के संस्थान की स्थापना किए जाने की भी इस दौरान मांग की गई। अब प्रश्न यह है कि जब पूरा बजट 65,000 करोड़ का है तो ये आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए आप 65,560 करोड़ कहां से लाएंगे, किस मद से? माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि एक जो है हाई कमिटी, जो है पावर्ड कमिटी बनाए और पूरे के पूरे जो हमारा आयुर्वेद का अपना जो सिस्टम है उसको कैसे और मजबूत किया जाए उसके बारे में अध्ययन करा करके प्रत्येक प्रदेश में एक एक जो है नेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाए। जो भी मेडिसिन अवेलेबल होता है, जो मेडिसिन प्लान होता है, इस बारे में अगर शिक्षा की व्यवस्था भी कर देते हैं तब साइस्टजनित कारण में हमारे देश में लोगों को बहुत ही फायदा होगा। हमारे इल जितने भी आयुर्वेद संस्थाएं हैं वो सब इल इक्विप्ड है, वहाँ पे एडुकेट इस तरह का अरेंजमेंट करना चाहिए, प्रॉपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो, अभी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। दूसरा, एडुकेट फंड्स भी वहाँ पे व्यवस्था करें, जॉब की बड़ी समस्या है जो आयुर्वेद में आज क्वालिफाइड है। जैसा कि गुजरात में बहुत बड़ा संस्थान बनाया जा रहा है तो उत्तर प्रदेश भी देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे बड़ी जनसंख्या है, वहां पर भी 2-4 ऐसे संस्थान बनाए जाने चाहिए। तो प्राचीन काल में बुद्धा के कार्यकाल में, प्राचीन कार्यकाल में सभी जो साधु संत भी थे, हमारे बुद्ध भिक्खु भी थे, वो सभी मतलब इसका उपयोग करते थे, आयुर्वेद का उपयोग करते थे, जंगल में रहते थे, इसीलिए मतलब आयुर्वेद को बहुत बड़ा महत्व है। 14 पीपल ऑन दिस बोर्ड एंड 10 पीपल कम फ्रॉम नॉन आयुर्वेदिक बैकग्राउंड, 4 ओनली फ्रॉम आयुर्वेदिक बैकग्राउंड। दिस काइंड ऑफ टॉप हेवी अप्रोच इज नॉट गोइंग टू ऐड एनी वैल्यू टू योर इंटेंडेड थिंग ऑफ नेशनल एमिनेंस।
टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फार्मर्स टू ग्रो मोर मेडिकल प्लांट्स इन एट लार्ज स्केल एंश्योर स्टैंडर्ड्स ऑफ द रॉ मटेरियल बिफोर इट इज गोन टू द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन मेकिंग। सभापति एम वेंकैया नायडू ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से कहा कि जिस तरह की मांग की जा रही है सदस्यों द्वारा उस पर विचार किया जाए। Honorable Minister, there is a demand for setting up a research institute of Ayurveda in every state. Please keep that in mind. The cost, really, you observed every member was saying that shows the importance of the subject as well as their interest in this traditional. Every state for that matter, I don't want to take your time, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, and Bengal. Every state has got its own specialty. कोरोना महामारी और सरकार के द्वारा जो उठाए गए कदम है इस पर जो बयान दिया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस चर्चा के दौरान, असल में उन योद्धाओं की भी प्रशंसा हुई जिन्होंने जीत तोड़ के काम किया, मन लगा के काम किया। कोरोना योद्धाओं की तारीफ हुई और कांग्रेस के आनंद शर्मा ने कहा कि शुरुआत में कई लोगों ने डॉक्टरों और नर्सों का बहिष्कार किया, वो गलत कदम था। बीजेपी के विनय सहस्रबुद्धे ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जननायक की भूमिका निभाई। विपक्ष की ओर से लॉकडाउन, प्रवासी मजदूरों की मुश्किलों और कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर सरकार से सफाई मांगी। जो डॉक्टर और हमारे नर्सेस जो खुद अपनी जान हथेली पे रख के मरीजों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों को उपचार कर रहे हैं, वो जब अपने घर में, अपने लोकेलिटी में, अपने गांव कस्बे में जहां वो रहते वापस जाते थे तो उनका बहिष्कार होता था, नोटिस लगा दिया जाता था, ये बहुत गलत बातें भी हुई। पहली बार इस देश में हमारे जो हॉकर्स बंधु हैं, उनके लिए स्वनिधि नाम की योजना बहुत ही कल्पना लड़ाते हुए और बहुत तरीके से क्रिएटिव गवर्नेंस का उदाहरण जिसको मैं कहूंगा, इस योजना को लागू किया गया। अनाज वितरण, जो मुफ्त में अनाज देना है हमारे गरीबी रेखा के नीचे जो भाई बहन है, उसकी अवधि भी बढ़ाई गई। तो एक दृष्टि से प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट के माध्यम से हमारे सरकार ने विभिन्न विषयों पर काफी अच्छा काम किया। ये स्थिति थी कि जो बीमारी बाहर से आई थी, कुछ गिनती के लोग यहाँ पर आए थे और बहुत बड़ी तादाद में लाखों आदमी केवल इसलिए प्रभावित हुए कि कुछ लोगों को लाने के लिए हवाई जहाज भेजे जा रहे थे वंदे योजना में, और बाकी लोग कैसे पैदल निकले हैं लाखों की तादाद में लोग। हमारे बिहार के लोगों ने पूरे देश के निर्माण में सब जगह काम किया और दिन भर उनको प्रवासी माइग्रेंट करते। मेरा अनुरोध होगा केंद्र सरकार से, सभी केंद्र जितने हमारे पार्टी के लोग हैं, सभी पार्टियों से, कम से कम इस शब्द को तो हटा दीजिए। हमारा देश एक है, नागरिकता एक है, फिर यहाँ प्रवासी कौन है? मैं प्रपोज करता हूं कि हम सबको एक माफीनामा देना चाहिए देश के उन तमाम मजदूर भाइयों के लिए जिनके बारे में हमने चिंता नहीं की, जिनके बारे में फर्स्ट और सेकेंड लॉकडाउन में कोई बात नहीं हुई। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान अहम मुद्दे भी उठाए गए और इस दौरान सदस्यों ने जनहित से जुड़े अहम मुद्दे उठाए। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर में बेरोजगार इंजीनियरों का मुद्दा उठाया। समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के भुगतान को लेकर चिंता जताई। सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी इस मुद्दे की गंभीरता पर अपनी सहमति जताई। कई अन्य सदस्यों ने भी जनहित से जुड़े मुद्दे सदन के समक्ष उठाए। 2003 से लेकर 15,000 अनएम्प्लॉयड जो इंजीनियर हैं वो कंट्रैक्टर बन गए थे, अपनी रोजी कमाते थे, लेकिन चार दिन पहले सरकार ने उन तमाम सेल्फ हेल्प ग्रुप सिस्टम को ही खत्म किया और इतने 15,000 जो इंजीनियर थे वो अब सड़क पे आ गए हैं। मैं केंद्रीय सरकार का ध्यान दिलाता हूं कि उन 15,000 इंजीनियर्स को दोबारा से वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्कीम शुरू की जाए। पिछले 3 वर्षों में इस प्रकार का जो व्यय किसानों से लिया गया था उसकी प्रतिपूर्ति या भुगतान आज तक नहीं किया गया है। मैं आपके हस्तक्षेप की मांग करता हूं, क्या सरकार की कोई ऐसी मद है जिसमें बगैर रसीद के भुगतान किया जा सकता है? और सरकार कब वापस करेगी ये 72 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के किसानों का और 390 करोड़ महत्वपूर्ण विषय उठाया। मुझे कहना है कि हर दिन
पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और अभी दिग्विजय साहब ने बोले जैसा ऑक्सीजन का ब्लैक चालू हुआ है और रेट भी बढ़ चुके हैं, इतना ही नहीं तो साठेबाजी हो रही है, कोई हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ज़्यादा है कोई कम है, तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट करना है कि इस हर स्टेट में ऑक्सीजन इक्वल सप्लाई होना चाहिए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद आतंकी घटनाओं में कमी आई है। कश्मीर में इस साल 9 सितंबर तक 168 आतंकवादी मारे गए। गृह मंत्रालय की ओर से अतारांकित प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी गई। मंत्रालय ने बताया कि पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों की घुसपैठ में पिछले 2.5 साल में कमी आई है। सरकार ने बताया है कि अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में लिखित जवाब में जानकारी दी है कि 5 अगस्त 2019 से 10 सितंबर 2020 के बीच जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं और पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम उल्लंघन में 74 सुरक्षा बलों और 71 नागरिकों की जान गई है। जून 2018 से अगस्त 2019 के बीच जम्मू कश्मीर में 455 आतंकी घटनाएं हुई थीं, जबकि पिछले साल 5 अगस्त से इस साल 9 सितंबर तक इस केंद्र शासित प्रदेश में 211 आतंकी वारदातें हुई हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की ओर से आतंकवादियों की घुसपैठ में पिछले 2.5 साल में कमी आई है। राज्यसभा में लिखित उत्तर में गृह मंत्रालय ने बताया कि 2018 में 143, 2019 में 141 और इस साल जुलाई तक जम्मू कश्मीर में घुसपैठ के 48 मामले सामने आए हैं। गृह राज्य मंत्री ने बताया कि जम्मू कश्मीर में साल 2018 में 257 और 2019 में 157 आतंकवादी मारे गए, जबकि इस साल सितंबर तक 168 आतंकवादी मारे गए। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत साल 2017 में देश भर में पुलिस ने 501 लोगों को हिरासत में लिया था, जबकि 2018 में 697 लोगों को NSA के तहत पकड़ा गया। इनमें से 563 लोग अब भी कस्टडी में हैं। इस कानून में सबसे ज़्यादा गिरफ्तारियां मध्य प्रदेश में हुईं। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानूनों में संशोधन को लेकर राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के साथ बार काउंसिल से सुझाव मांगे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लिखित जवाब में बताया कि आपराधिक कानूनों में सुधार को लेकर सुझाव देने के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली के कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा की नवनिर्वाचित सांसद मौसम नूर ने आज सदन की सदस्यता की शपथ ली। सभापति एम वेंकैया नायडू ने उन्हें सदस्यता की शपथ दिलाई। मौसम नूर पश्चिम बंगाल से राज्यसभा सांसद हैं। आई मौसम नूर हैविंग बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ द स्टेट्स डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Good wishes. तो राज्यसभा समाचार में मेरे साथ इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद देखिए राज्यसभा न्यूज़ टीना के साथ।